गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे 7:30। तो अभी अभी बाबू स्कूल गया है और निशा का आज कॉलेज नहीं है और ऑफिस भी नहीं है। और ए साइड में देखिए, अपराजिता कटिंग के बाद पहली बार खिला है। और तुलसी का पौधा भी आज लगाना है क्योंकि वो पौधा मर गया है। और ये डार्क पिंक कलर का रोज़ अभी लाइट पिंक कलर का हो रहा है क्यों पता नहीं। और एडिनम का ये फ्लावर खिला ही नहीं है, गिर गया है। तो अभी मैं ना ये पानी में रख दूँगी। और दूसरा भी एक फ्लावर सूख गया है, वो निकल लेती हूँ क्योंकि ऐसा सूखा हुआ फ्लावर ना झाड़ से निकल लेना चाहिए। और एक चीज़ आप लोग को दिखाती हूँ, जो चूहा परेशान करता था, आज देखिए ये जो पेड रखा है इसमें गिर गया है और इसमें गम लगा हुआ है। तो अभी इसको ना छोड़ के आऊँगी। मेरा नहा के हो गया तो मैं अभी तुलसी देवी का पूजा करूँगी। आज है फ्राइडे और मैं पहले तुलसी देवी का पूजा करूँगी। ओम गोविंदो वल्लभांग देवीं भक्त चैतन्य कारिणीं स्नान पोयामी जगधात्रीं कृष्ण भक्ति प्रदायिनीं जो बाकुसुम शंका शंकाश्यपेयम महद्युतिम धन्तारिं सर्व पापक न प्रणतस्मि दिवाकरम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड अच्छे ही होंगे और हम लोग भी सब ठीक है। और मेरा पूजा भी हो गया और सुबह का जितना सारा काम था वो भी हो गया। अभी मुझे बहुत जोर का भूख लग रहा है, नाश्ता खाऊंगी। और दोपहर में मैं क्या बनाई वो आप लोग को दिखाती हूँ। आज का लंच है मूंग दाल और फ्लावर की सब्जी और करेला फ्राई। ये व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर का करेला ना थोड़ा कड़वा कम होता है और ग्रीन कलर का तो बहुत ज़्यादा ही कड़वा होता है। और एक चीज़ आप लोग को दिखाती हूँ, ये है ताल बोड़ा। और ये ना गरम गरम खाने में थोड़ा कड़वा लगता है, कल बनाया था तो कल थोड़ा सा ही खाया है ठंडा होने के बाद तो। और ये ना कल से ज़्यादा आज खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो मैं यही नाश्ता करूँगी। आप लोग को पता है मैं बहुत सारा रिपोर्ट निकालने के लिए दिया था तो ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मली है, बाकी एक्सरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वो दवाई से ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने बोला है वेट कम करने के लिए, तो इसीलिए मैं अभी योगा क्लास ज्वाइन किया है, आज से जाऊंगी। योगा के साथ साथ मुझे खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा तभी इजीली वेट लॉस होएगा। और मुझे ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला है और प्रोटीन टाइप का खाना लेने के लिए बोला है। बाबू को स्कूल से लेके आने के बाद खाना खाया और अभी मैं ना एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा काम कर रही हूँ। और आज का खाना बहुत टेस्टी था, मैं दाल और करेला फ्राई से खाया है, दाल बहुत मस्त बना। और फ्लावर का सब्जी नहीं खाया, शाम को खाऊंगी। पोनी कर लिया है, अगर जरूरत होएगा तो फोल्ड कर लूंगी। और घर से मैट लेके जा रही हूँ, सब लोग को देखा है घर से लेके आ रहा है तो मेरे पास था इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। उन लोग के पास भी मैट है, अगर नहीं रहेगा ना तो उन लोग का मैट यूज कर सकते हैं। और आज मुझे थोड़ा नर्वस लग रहा है क्योंकि पहली बार मैं बाहर जाके योगा करूँगी, पता नहीं मैं ठीक कर पाऊंगी कि नहीं। पहला दिन तो बराबर नहीं कर पाऊंगी, फिर भी कोशिश करूंगी। तो चलिए आके आप लोग के साथ मिलती हूँ।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और अभी अभी मैं योगा क्लास से आई है और आज हमारा पहला दिन था। आज ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, से सूर्य नमस्कार और कुछ प्राणायाम किया है, धीरे धीरे बढ़ाएगा। और अभी डाइट का तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ चावल तो फिलहाल अभी कम ही खाऊँगी, एक ही टाइम लूँगी। मैं ना दो टाइम चावल खाती हूँ क्योंकि चावल मुझे बहुत पसंद है। सोचा है अभी सुबह चलने के लिए जाऊँगी और शाम को तो योगा क्लास है। और अभी एक घंटा खाने का नहीं, कुछ भी नहीं, खाने का भी नहीं और पीने का भी नहीं। तो चलिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना। तो अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।